तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक आई पर। आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल हकाई की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू के पास्ट में जाने के बाद क्या होता है। ड्रैगन बॉल हकाई की बहुत ही अमेजिंग स्टोरी को लिखा है हकाई इंग्लिश ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। आज की वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारे के सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू ट्रैवल करके पास्ट में पहुंच जाता है, पर पास्ट में प्लैनेट वेजिटा पर पहुंचते ही उसका पैर एकदम से ही कंकाल पर पड़ता है। गोकू उस कंकाल से उससे हुई गलती की माफ़ी मांग रहा होता है, पर तभी गोकू पे एक बहुत ही बड़ा जायंट सेंटीपीड जैसा क्रीचर अटैक कर देता है। इसी वजह से लग रहा होता है कि ये क्रीचर गोकू को थोड़ा बहुत नुकसान पहुँचा सकता है, पर जैसे ही ये क्रीचर गोकू पे अटैक करता है हम देखते हैं कि गोकू इस क्रीचर को बहुत ही आराम से रोक लेता है, वो भी सिर्फ अपनी एक उंगली का इस्तेमाल करके। गोकू सिर्फ अपनी एक उंगली से इस क्रीचर को उठा लेता है और एकदम से फ्लिक करके इसे आसमान में फेंक देता है, पर गोकू दिल का इतना साफ होता है कि वो इस क्रीचर से भी माफ़ी मांगने लग जाता है और बोलता है, सॉरी पर मेरे पास समय नहीं है। गोकू देख रहा होता है कि उसके इस छोटे से अटैक से क्रीचर आसमान में बहुत दूर पहुँच गया है। गोकू एक बार फिर से उस कंकाल की तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है कि लगता है मैं प्लैनेट के किसी बहुत ही खतरनाक और रिमोट इलाके में आ गया हूँ। उस कंकाल को देखने के बाद हम देखते हैं कि गोकू अपनी आंखों को बंद कर लेता है। गोकू बोलता है कि मैं लोगों की की को ढूंढने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं सिविलाइजेशन को ढूंढ सकूँ। तभी गोकू को कुछ महसूस होता है, वो बोलता है कि यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर काफ़ी सारी एनर्जी इकट्ठी हो रखी है और ये सभी एनर्जी इस प्लैनेट की एवरेज एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। हम देखते हैं कि गोकू जिस जगह को महसूस कर रहा होता है वो वेजिटा पैलेस होता है, यानी कि वो जगह जहाँ पर किंग वेजिटा रहते हैं। तभी गोकू को एक आवाज़ आती है, वो आवाज़ बोलती है, रुको। ये आवाज़ होती है एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन कैकारोट की। कैकारोट बोलता है, क्या तुम सच में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के तौर पे पूरे प्लेनेट पे घूमने के बारे में सोच रहे हो। गोकू बोलता है, पर उसमें दिक्कत क्या है। कैकारोट बोलता है कि मैंने तुम्हारी सारी मेमोरीज को देखा है और मुझे याद है कि वेजिटा ने एक बारी तुम्हें बताया था कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस एक बारी तुम्हारे प्लेनेट पर आया था और उसने राजा को काफ़ी ज़्यादा परेशान भी किया था। गोकू बोलता है, तुम सही बोल रहे हो, मैं उस बारे में भूल गया था। अगर मैं इस आउटफिट में पूरे प्लैनेट पर घूमूंगा तो काफ़ी दिक्कत आ सकती है और हमारा प्लान पूरे तरीके से ख़राब हो सकता है। कैकारोट बोलता है, बिल्कुल सही, इसीलिए तुम्हें और कपड़े ढूंढने की ज़रूरत है। गोकू बोलता है, पर इस वक्त मेरे पास सिर्फ यही आउटफिट है। कैकारोट बोलता है, मेरे हिसाब से प्लैनेट वेजिटा पे काफ़ी सारे सोल्जर्स हैं, इसीलिए अगर तुम अपने आप को एक सोल्जर की तरह छुपाओगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तुम उस कंकाल के कपड़े उतार लो जिस पर तुमने अभी पैर रखा था। गोकू उस कंकाल की तरफ देखता है और बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है, क्या, पर ये तो पूरी तरीके से गलत बात है। कैकारोट बोलता है, क्या तुमने ही नहीं कहा था कि तुम अपने ट्रेनिंग के लिए कुछ भी करोगे। तुम अब एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो, इसीलिए तुम ऐसी फालतू की चीज़ों की वजह से खुद को परेशान नहीं कर सकते। गोकू इसके बाद एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन की बात को मान जाता है और कंकाल के पास जाता है। गोकू कंकाल से माफ़ी मांगते हुए बोलता है, मुझे माफ़ करना, पर ये एक अच्छे काम के लिए है और वैसे भी अब तुम्हें इन कपड़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू कंकाल के आर्मर को उतार के पहन लेता है। गोकू इस वक्त पूरे तरीके से एक सैयन सोल्जर की तरह दिखने लग जाता है। गोकू अपने नए कपड़ों को देख के बोलता है कि मुझे ये आउटफिट पसंद नहीं आई, पता नहीं इसे पहन के ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कोई विलन हूँ। एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन कैकारोट गोकू से बोलता है कि मुझे वैसे ये पसंद आई। गोकू बोलता है, चलो अब मैं उस तरफ जाता हूँ जहाँ पर मुझे काफ़ी सारे ताकतवर लोग महसूस हो रहे थे, पर बेहतर रहेगा कि सबसे पहले मैं इसे छुपा दूँ वरना काफ़ी दिक्कत आ सकती है। इसके बाद हम रॉयल कासल ऑफ प्लैनेट वेजिटा को देखते हैं जहाँ पर किंग वेजिटा रहते हैं। हम देखते हैं कि गोकू एकदम से टेलीपोर्ट करता है और सीधा कैसल के पास पहुँच जाता है। गोकू कैसल को देख के काफ़ी हैरान होता है और बोलता है, क्या बड़ा कैसल है, ये मुझे उसी कैसल की याद दिला रहा है जो कि मैंने प्लैनेट सैडाला पे देखा था। तभी कैसल से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, वहीं पर रुक जाओ। गोकू थोड़ा सा हैरान होता है और हम देखते हैं कि काफ़ी सारे सोल्जर्स उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो सारे सोल्जर्स गोकू के पास आके रुकते हैं। गोकू पूछता है, क्या कोई दिक्कत है। सोल्जर बोलता है, तुम्हें ये बात पूछने की जरूरत भी क्यों पड़ रही है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि बिना परमिशन या फिर अपॉइंटमेंट के कैसल के नज़दीक आने की किसी को भी इजाज़त नहीं है, और आखिर तुम हमारे ट्रैकर्स से बच के यहाँ तक पहुँच कैसे गए। गोकू अपने मन में सोचता है कि लगता है कि मैंने नहीं बता सकता कि मैं टेलीपोर्ट करना चाहता हूँ। गोकू सोल्जर को जवाब देता है कि मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं लकी था। सोल्जर बोलता है, बच्चे लगता है तुम्हारा लक यहीं पे ख़त्म होने वाला है, मुझे अपना नाम बताओ। गोकू थोड़ा सा सोचता है और हम उसके कुछ देर पहले की मेमोरी को देखते हैं। हम देखते हैं कि गोकू ने मशीन को ज़मीन के अंदर गाड़ दिया होता है। गोकू बोलता है, हो गया, अब किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर टाइम मशीन गड़ी हुई है। तभी गोकू को कैकारोट की आवाज़ आती है। कैकारोट बोलता है कि मुझे लगता है कि यहाँ से जाने से पहले तुम्हें किसी नाम के बारे में सोच लेना चाहिए। गोकू बोलता है, एक नाम, क्या मैं अपने नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। कैकारोट बोलता है, नहीं, संगोकू एक सैयन का नाम नहीं है, इसलिए तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते और तुम खुद को कैकारोट भी नहीं पुकार सकते।
क्योंकि इस पॉइंट पे तुम्हारा जन्म पास्ट में हो चुका होगा, इसीलिए तुम्हें एक सही नाम की जरूरत है। गोकू थोड़ा बहुत सोचता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं किस नाम का इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैकरोट बोलता है कि आज तक तुम जिन भी सैयन से मिले हो उनमें से मेरे को एक नाम बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, ये नाम तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और ये नाम है। तभी हम करंट टाइम में वापस आते हैं। हम देखते हैं कि गोकू स्माइल कर रहा होता है और बोलता है, हाय मेरा नाम टर्लेस है। एक सैयन बोलता है, टर्लेस तुम्हारा नाम मैंने कभी नहीं सुना, मुझे बताओ कि तुम कहाँ से आए हो। गोकू थोड़ा सोचता है और बोलता है कि मैं डेजर्ट से आ रहा हूँ, वहाँ पर काफ़ी सारे मॉन्स्टर क्रिएचर्स थे। एक तीसरा सोल्जर चिल्लाता है और बोलता है कि अब ये मत कहना कि तुम डेजर्ट ऑफ डार्कनेस से आए हो। गोकू घबराते हुए बोलता है, बिल्कुल सही, मैं डेजर्ट ऑफ डार्कनेस से ही आ रहा हूँ। तभी चौथा सैयन बोलता है कि आखिर कोई भी समझदार शख्स उस जगह पर क्यों जाएगा। तीसरा सैयन बोलता है कि अब मुझे याद आ रहा है, कुछ बागी सैयन्स थे जिन्होंने इसी कलर का आर्मर पहना हुआ था। चौथा सैयन बोलता है, बिल्कुल सही, मैंने सुना था कि जॉन की टीम ने बैंडिट्स के हाइड आउट को तबाह कर दिया था और उनमें से काफ़ी सारों को मार भी दिया था। जो बच गए थे वो डेजर्ट ऑफ डार्कनेस की तरफ चले गए थे, ये शख्स उन्हीं में से एक होगा, यहाँ पे ये कैसल से बदला लेने के लिए आया होगा। गोकू घबरा कर बोलता है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं यहाँ पर किसी को दिक्कत देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं वादा करता हूँ। पहला सैयन अपना हाथ आगे कर लेता है और चिल्लाता है कि चुप हो जाओ, अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने वाला हूँ। हम देखते हैं कि काफ़ी सारे की ब्लास्ट गोकू की तरफ बढ़ रहे होते हैं। हालांकि इन अटैक से गोकू बहुत ही आराम से बच सकता है, पर गोकू ये इन सैयन्स के सामने नहीं दिखा सकता, इसीलिए वो एकदम से घबरा जाता है और बोलता है, नहीं। गोकू इन अटैक्स को डॉज करने लग जाता है और थोड़ी बहुत दिक्कत से इन अटैक्स को डॉज कर रहा होता है ताकि वो इन सैयन्स को ये दिखा सके कि उसे काफ़ी दिक्कत आ रही है। अभी तक एक भी अटैक गोकू को नहीं लगा होता। हम देखते हैं कि गोकू सभी अटैक्स को डॉज कर देता है। ये देख के एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन थोड़ा सा घबराती है और बोलती है, तुम बेवकूफ, तुम्हें कैसल में दुश्मन बनाने की क्या जरूरत थी। गोकू एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन कैकरोट से बोलता है कि पर ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने उन कपड़ों को पहना जो कि तुमने मुझे पहनने के लिए बोला था। कैकरोट बोलता है, चुप हो जाओ, ऑब्वियसली ये मेरी गलती तो नहीं है। दूसरा सैयन बोलता है, ये क्या, उसे हमारा कोई भी अटैक नहीं लग रहा है, ये तो सच में बहुत ज्यादा लकी है। तभी पहला सैयन अटैक करने के लिए गोकू की तरफ बढ़ता है और बोलता है, कोई बात नहीं, मैं इसके मुंह को अपने हाथ से तोड़ता हूँ। हम देखते हैं कि गंजा सैयन गोकू की तरफ बढ़ रहा होता है और तभी गोकू एक पंच बनाता है। गोकू इस पंच को डायरेक्टली नहीं मारता, गोकू ये पंच सिर्फ हवा में मारता है। हम देखते हैं कि इसका एयर प्रेशर जाके सैयन को लगता है, वो पीछे की तरफ जाके गिरने लग जाता है। तभी वो सैयन कैसल से जाके टकराता है। हम देखते हैं कि कैसल में दो लोग टहल रहे होते हैं, ये होते हैं किड वेजिटा और नापा। नापा किड वेजिटा से बोलता है, वेजिटा आज की तुम्हारी ट्रेनिंग लाजवाब थी, हमेशा की तरह। किड वेजिटा नापा से बोलता है कि ये ट्रेनिंग्स मेरे लिए लगातार बोरिंग होती जा रही हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है और कोई भी नहीं है जो कि मुझे इस प्लेनेट पे चैलेंज कर पाए। हम देखते हैं तभी वो सैयन कैसल से जाके टकराता है, कैसल में गड्ढा बन जाता है और काफ़ी ज़बरदस्त आवाज़ होती है। हम देखते हैं कि वो सैयन जमीन पर बेहोश पड़ा होता है, ये सैयन सिर्फ गोकू के एयर पंच से ही बेहोश हो गया। नापा और किड वेजिटा को धमाके की आवाज़ आती है, किड वेजिटा बोलता है कि आखिर ये क्या था। तीसरा सैयन बोलता है, ये क्या था, उसने सिर्फ अपने हाथ को हवा में हिलाकर ही सार्जेंट की ये हालत कर दी। तभी चौथा सैयन अपने स्काउटर पे गोकू की एनर्जी को देखने लग जाता है और बोलता है कि मेरे ट्रैकर के हिसाब से इसका पावर लेवल 10683 है। तीसरा सैयन हैरानी से अपने स्काउटर में देखने लग जाता है और बोलता है, इम्पॉसिबल। तभी कैकरोट एक बार फिर से गोकू से बात करता है। कैकरोट बोलता है, गोकू ये बात याद रखना कि वो डिवाइसेस तुम्हारी ताकत को माप सकते हैं, मैं जानता हूँ कि उस शख्स पे तुमने अपनी बहुत ही कम ताकत का इस्तेमाल किया था, पर तुम्हारी वो कम ताकत भी इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है, अपनी की को जल्द से जल्द कम करो वरना इन लोगों को तुम पे और ज़्यादा शक होने लग जाएगा। गोकू ये सुन के एकदम से चौंकता है और अपनी आंखों को बंद करता है। गोकू खुद को शांत करता है और बोलता है, ठीक है। तभी वो सारे सैयन से एक बार फिर से गोकू की एनर्जी को मापने लग जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो काफ़ी अजीब बात है। दूसरा सैयन हैरानी से बोलता है कि मेरे ट्रैकर के हिसाब से तो इसका पावर लेवल सिर्फ 416 है। तीसरा सैयन बोलता है कि मेरे ट्रैकर में भी सेम आ रहा है। चौथा सैयन बोलता है कि यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मेरा ट्रैकर टूट गया होगा, इसका पावर लेवल वैसे भी उसी के आसपास होना चाहिए, ये बेवकूफ़ वैसे भी उतना ताकतवर कैसे हो सकता है। गोकू अपने मन में बोलता है कि मैंने अपने पावर लेवल को उतना ही कर लिया जितना मेरा पावर लेवल रेडिट्स के सामने था, उस समय मैं रेडिट्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, तो मुझे लगा कि उतनी ताकत इन लोगों को कन्विंस कर देगी कि मैं भी एक कमज़ोर हूँ। कैकरोट गोकू से बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही सोचा, ये लोग कमज़ोर हैं तो तुम इन्हें आराम से बेवकूफ़ बना सकते हो जब तक तुम्हें इस सिचुएशन से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल जाता। दूसरा सैयन गोकू को देख के चिल्लाता है कि हम तुम्हें अभी के अभी ख़त्म कर देंगे। तभी एक आवाज़ आती है, रुको। तभी हम देखते हैं कि दो लोग गोकू की लड़ाई के बीच में आ गए होते हैं, ये होते हैं किड वेजिटा और नापा। गोकू भी किड वेजिटा को देख के हैरान रह जाता है और बोलता है, ये तो। सारे के सारे सैयन्स वेजिटा के सामने झुकते हैं और बोलते हैं, प्रिंस वेजिटा। वेजिटा बोलता है कि आखिर ये कीड़ा खुद को समझता क्या है, इसने मेरे कैसल की दीवार को तोड़ दिया, मैं इसे अपने हाथों से ख़त्म करूंगा। गोकू हैरान रह जाता है और बोलता है कि ये तो काफ़ी दिक्कत वाली बात हो गई। ड्रैगन बॉल हकाई का ये चैप्टर दोस्तों यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें सारे के सारे वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।